हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल हेल्थ टिप्स हिंदी में। दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आई हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी, अगर गलती से भी करते हैं ये पांच काम तो आपकी संतान भी हो जाएगी किन्नर। आइए जानते हैं इसके बारे में। हमारे समाज में कई विशेष वर्ग होते हैं जो रहते तो हमारे साथ ही हैं, लेकिन उनका रहन सहन, परंपरा सब कुछ अलग है। इसलिए हर कोई समाज के उस वर्ग के बारे में जानना चाहता है। वैसे तो भारत देश में हर जात, हर धर्म, हर वर्ग के लोग समान तरह से रहते हैं। कोई ऊंच नीच का भेदभाव नहीं होता, सभी को समान अधिकार भी मिलता है। आज मैं उन्हीं में से एक विशेष वर्ग की बात आपको बताने वाली हूँ, वो है किन्नर। भले इस देश में सभी को समान अधिकार प्राप्त है, लेकिन इस वर्ग को अभी भी कई सारी यातनाएं झेलनी पड़ती है। इसके बावजूद ये किसी की खुशी में साथ निभाने की भरपूर कोशिश करती है, पर उनकी खुशी की किसी के लिए शायद कोई कीमत ही नहीं है, बल्कि एक अविशब्द जिंदगी की तस्वीर बन के रह जाती है। ये इसलिए बन जाती है क्योंकि आम लोगों से वे थोड़े अलग होते हैं। आज मैं आपको उन पांच कारणों के बारे में बताने वाली हूँ जिसे करने पर आपकी संतान भी किन्नर के रूप में जन्म ले सकती है। ये तो हम सभी जानते हैं कि किन्नर का भी जन्म हम जैसे इंसानों से ही होता है, लेकिन क्यों होता है ये शायद आप नहीं जानते हो। तो बता दूं कि हमसे अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां हो जाती है जिसकी वजह से संतान किन्नर के रूप में जन्म लेता है। दरअसल ये गलतियां गर्भावस्था के दौरान ही हो जाती है। तो आइए जानते हैं उन गलतियों के बारे में कि वो पांच काम कौन से हैं। पहला, विज्ञान की बात करें तो उसके अनुसार जब कोई भी महिला गर्भवती होती है तो उस दौरान 3 महीने के बाद ही शिशु के अंग का निर्माण होने लगता है। अगर उस दौरान महिला को किसी चीज से चोट लग जाए तो उस वजह से शिशु के अंग पर चोट लगती है और इस अंग का आकार बदल जाता है। दूसरा, कि अगर आप इस दौरान बीमार हैं और आप ज्यादा दवाइयाँ खा रहे हैं तो भी उससे शिशु के अंग का निर्माण सही तरीके से नहीं हो पाता है। तीसरा, गर्भावस्था के समय आप अगर समय से नहीं सोते या नींद के लिए कोई दवाई ले रहे हैं तो उसे तुरंत बंद कर दें, क्योंकि ये भी एक मुख्य कारण हो सकता है। चौथा, इस समय आप किसी भी तरह का बासी या विषैला भोजन खा लेते हैं तो इससे शिशु पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। पांचवा, गर्भावस्था के समय अगर कोई महिला अपने 9 महीने तक पूरा संभाल कर ना रहे, किसी भी तरह की चीज, दवा, कठोर चीजों आदि से दूर रहे, तो इसका नतीजा आपकी होने वाले संतान को भुगतना पड़ता है। अगर इन चीजों से बचकर रहेंगे तो आपका संतान भी स्वस्थ होगा। अगर इन चीजों का सामना करना पड़ेगा तो आपके संतान को उसका परिणाम भी भुगतना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं या फिर आप किसी परेशानी का हल ढूंढ रहे हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल हेल्थ टिप्स हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे आपकी प्रॉब्लम हमारी सॉल्यूशन के साथ। मैं आऊंगी रोजाना नए नए घरेलू उपचारों के साथ जिससे आप अपनी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। तब तक के लिए फिट रहें, हेल्दी रहें, खुश रहें। थैंक यू।